हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद आर्ना। और आज तो मैंने केस स्टडी का क्वेश्चन लिया है और ये केस स्टडी एपी से बनती है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अच्छी केस स्टडी के लिए और क्लास टेंथ के क्वेश्चन के लिए तो मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक तो मैं क्लास टेंथ की ही वीडियोज़ डालने वाली हूँ। और जैसा कि मेरा आज का आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो मैं इसको रीड करके टाइम वेस्ट करने वाली नहीं हूँ। तो हम सीधा इसमें मेन मेन पॉइंट्स देखते हैं और अपनी केस स्टडी को सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अप्रैल से जून के बीच में जो पैसेंजर कार है वो कार प्रोडक्शन करती है, और जो प्रोडक्शन है वो 26% इंक्रीज हो रही है और एक यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है। तो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो फोर्थ ईयर में चाहती है 1800 कार प्रोड्यूस करना और एट्थ ईयर में प्रोड्यूस कर रही है 2600 कार। और वो जो उसका यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है जो प्रोडक्शन रेट है, तो अबव इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन निकालिए, व्हाट इज द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन इन द 12th ईयर, फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 10 ईयर्स, और इन दोनों में से कोई एक पार्ट करेंगे इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन विल रीच टू 15,000। तो हमें दिख रहा है जब जो प्रोडक्शन है यूनिफॉर्मली रेट से इंक्रीज हो रही है, यानी कि डी कॉमन होगा, तो ये क्या करेगी, एक एपी फॉर्म करेगी जिसकी हम प्रोडक्शन ऑफ कार इन द फर्स्ट ईयर ए मान लेंगे और जो यूनिफॉर्मली रेट इंक्रीज हो रहा है उसको हम डी मान लेंगे। तो आइए अपना सॉल्यूशन करते हैं। तो मेरा सॉल्यूशन क्या कहता है, सिंस द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, इट मीन्स इट फॉर्म्स एपी, ये एक एपी बनाती है। सो द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन फर्स्ट ईयर इज ए एंड द प्रोडक्शन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय डी, यानी कि जो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी वो हर साल किस रेट से होगी, डी से, प्लीज राइटिंग पे मत जाना, डी से इंक्रीज होगी। तो हमारे को देखो क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि जो प्रोडक्शन है वो फोर्थ ईयर में 1800 है, मींस हमें जो गिवन है, इट इज गिवन दैट, हमें ये गिवन है कि जो फोर ईयर में प्रोडक्शन है वो तो है 1800, इट मींस ए प्लस थ्री डी कितना है 1800, ये तो मान लो फर्स्ट। एंड जो प्रोडक्शन आपकी एट्थ ईयर में है वो है 12600। देखिए ये लिख रहा कंपनी प्लान टू प्रोड्यूस 1800 कार इन फोर्थ ईयर एंड 2600 कार्स इन एट्थ ईयर। तो इन दोनों को भाई हमारी दो इक्वेशन बनेगी, P8 का मतलब क्या, A प्लस 7D इज इक्वल टू 2600। यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेते हैं, A की वैल्यू आएगी 1800 माइनस 3D, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ये छोड़ के और लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो ए की वैल्यू रखोगे 1800 माइनस 3D प्लस 7D इज इक्वल टू 2600, 7 में से 3 गया 4, 2600 माइनस 1800 4D इज इक्वल टू 800। तो D की वैल्यू आ गई 800 बाय 4 यानी कि 200, यानी कि जो प्रोडक्शन रेट है वो हर साल 200 कार्स जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है ना। फिर हम रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी की वैल्यू रख देंगे, तो ए इज इक्वल्स टू 1800 माइनस 3 इंटू 200, ए इज इक्वल टू 1800 माइनस 600, ए इज इक्वल्स टू 1200। ये मेरा क्या आ गया, ए आ गया, यानी कि फर्स्ट ईयर में 1200 कार्स
पैसेंजर कार प्रोड्यूस हुई होंगी और हर साल 200-200 बढ़ी होंगी। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था कि हमें बतानी थी द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट पार्ट है द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज 1200। ठीक है, पहले साल वो 1200 कार प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है ये फाइंड द प्रोडक्शन इन द 12th ईयर, यानी कि 12वें साल में वो कितनी कार प्रोड्यूस करेगा। यानी कि हमें इस वाले इक्वेशन में क्या निकालना है, T12 क्या होगा, A प्लस 11D। A कितना है, 1200 प्लस 11 इंटू डी कितना है, 200। 1200 प्लस 2200 आपका आया 0043, यानी कि 3400 कार वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा 12th ईयर में। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है, दो पार्ट है इसके, तो पहले मैं ये वाला कर रही हूँ, टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 10 ईयर। फर्स्ट 10 ईयर का मतलब है आपको एस 10 निकालना है, शुरू से लेके 10 ईयर तक कह रहा है, यानी कि हमें सम निकालना है और एस 10 निकालना है। यानी कि हम निकालते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं और हम निकालते हैं एस 10। एस 10 का फॉर्मूला होगा 10/2, 2 इंटू ए। ए कितना था आपका, 1200 प्लस n-1 यानी कि 9 इंटू डी कितना था आपका, 200। ये आया आपका 5, 12 2 जा 24 प्लस 9 2 जा 18। 5 इंटू 0 0 12 4, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 21। यानी कि वो शुरू के 10 सालों में 21,000 पैसेंजर कार प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन इसका थर्ड का ही और पार्ट देखते हैं। ये कह रहा है इन विच ईयर जो टोटल प्रोडक्शन होगी वो 15,000 पहुंच जाएगी। तो हम मानते हैं एन ईयर में, ठीक है, एन ईयर में जो प्रोडक्शन होगी वो 15,000 पहुंच जाएगी। इट मीन्स टी एन हमारा होगा 15,000, ए प्लस वही एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 15,000। ए है आपका 1200 प्लस एन माइनस वन, डी है आपका 200 इज इक्वल टू 1500। एन माइनस वन 200 को ले लो आगे और 12,000 जाएगा माइनस में, एन माइनस वन इज इक्वल्स टू आपका आएगा 3000/200 यानी कि 15। एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 15 माइनस वन, उधर जाके प्लस वन हो जाएगा, एन आएगा आपका 16। दिस इज द केस स्टडी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से थी, सारी केस स्टडी सिंपल ही होती है, बस मेन मेन पॉइंट्स पकड़ने की बात होती है। होप आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी हो। ऐसी और केस स्टडी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।